अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन और हज़रात, क़ाइद आज़म रेलगाड़ी के सफर के दौरान हमेशा दो बर्थें मखसूस कराया करते थे। एक दफा किसी ने इनसे इसकी वजह दरियाफ्त की तो जवाब में इन्होंने ये वाकया सुनाया। मैं पहले एक ही बर्थ मखसूस कराया करता था, लेकिन एक दफा का जिक्र है, मैं लखनऊ से मुंबई जा रहा था कि छोटे से स्टेशन पर रेल रुकी तो मेरे डब्बे में सामने वाली बर्थ पर एक इंडियन लड़की आ बैठी। चूंकि मैंने सिर्फ एक बर्थ मखसूस कराई थी इसीलिए खामोश रहा। रेल ने रफ्तार पकड़ी तो वो लड़की अचानक बोलने लगी, तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दो वरना मैं मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जंजीर खींच कर सबको बुला लूंगी और बोलूंगी ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। मैंने कागजात से सर ही नहीं उठाया। इसने फिर अपनी बात दोहराई, मैं खामोश रहा। आखिर तंग आकर इसने मुझे झिझोड़ा तो मैंने सर उठाया और इशारे से कहा, मैं बह रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, जो कहना है कागज पर लिख कर दो। इसने अपना मुद्दा कागज पर लिख कर मेरे हवाले किया। मैंने फौरन जंजीर खींची और समाज तहरीर रेलवे काम के हवाले कर दिया। इस दिन के बाद से मैं हमेशा दो बर्थें मखसूस करवाता हूँ। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।